नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्य है और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मैं हेयर फॉल और मिनोक्सिडिल के 2.5 मंथ्स के जर्नी में हूँ और ये 2.5 मंथ में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मिनोक्सिडिल से। आज मैं मिनोक्सिडिल का रिजल्ट्स मैं दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि मैं किस तरह से बालायम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया हूँ और किस तरह से मैं बालायम यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, मैं बात करूँगा कि आप बालायम किस तरह से कर सकते हो। तो आपके ये नाखून दिखाई दे रहे होंगे, तो ये नाखून का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग का, इसमें जितने भी सारे नर्व्स है, ये हम लोग के स्कैल्प के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे सीधा ऐसा लेना है, ये इसके ऊपर, ये जो जितने भी नाखून है इसके ये ऊपर पार्ट में हम लोग को ऐसे ऐसे रब करना है दोनों नेल्स को। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग यहाँ से भी ऐसे करते हैं, यहाँ से अपने नाखून का जो भी पिच नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ इसको रगड़ते हैं। लेकिन इसको मुझे इस तरह से ये करने के बाद ये मुझे रिजल्ट मिला है कि हम लोग का जो पीठ का बाल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोग ये नाखून का नीचे वाला हिस्सा अगर यूज़ करके ऐसा रब करते हैं इस तरह से, तो हम लोग, मेरा पीठ का बाल काफ़ी सारा बढ़ गया है, तो मैं छोड़ दिया। और उसके बाद जैसे ही मैं ये जो ऊपर वाला हिस्से के साथ स्टार्ट किया ऐसा, तो उससे धीरे 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 वो पीठ का बाल जितना बढ़ना कम हो गया। और इसको मैं लगभग अभी 4 महीने से कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं 10 मिनट तक करता हूँ और इसमें काफ़ी फर्क नज़र आता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट में ही करना है, यहाँ पे घिसना है। आप ये नीचे से मत कीजिए, ऐसे नीचे से मत कीजिए, आप ऐसे ऊपर से कीजिए, आपको फायदा होगा। और दूसरी बात है, आप ये जो नाखून से, ये नाखून में ऐसा, ये नाखून को कभी मत आप रब कीजिए, क्योंकि इससे कान का बाल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं हर रोज सुबह उठ के खाली पेट में 10 मिनट तक आराम से ध्यान में बैठ के आराम से ये बालायम करता हूँ। और उसके बाद और भी एक योगा करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। एक नाक से सांस लेके दूसरे नाक से छोड़ना, उसको अल्टरनेट नोस्टिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसको भी आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। और मैं ये मिनोक्सिडिल का 3 मंथ्स का रिजल्ट मैं लेके आऊँगा, अभी जस्ट 2.5 मंथ हुआ है, तो और 15 डेज के बाद 3 महीना हो जाएगा, और उसके बाद मैं आप लोग के लिए एक मिनोक्सिडिल का 3 मंथ्स का रिव्यू लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे, मैं आपको दिखाऊँगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।